ऑमलेट बना लिया, और दो का भी टिफिन में ले लिया मैंने, जो कि दोपहर लंच में मुझे काम में आएगा। यह है 100 रिंगिट, जो कि रेट मिल रहा है शायद 750 बात का। पहुंच गया मैं आवनांग बीच, मैं पहुंच गया यहाँ रिसेप्शन पे इस हॉस्टल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पॉकेट में स्वागत है आपका दूसरी सुबह का। मैं परसों आया था रात को और कल पूरे दिन था यहाँ पे पेटोंग बीच पे, और यहाँ के चकाचौंध देखी और यहाँ के काफ़ी बहुत ही अच्छे नज़ारे देखे। उसके बाद फिर आज सुबह मैं निकल रहा हूँ क्राबी के लिए। अभी सुबह के बजे है 10 बजे है सुबह के, मैं रेडी होके आ गया हूँ नीचे और बैग भी मेरे नीचे लेके आया। यहाँ से कुछ अभी एक जो स्टोर है वहाँ से पानी लेके आया मैं, और ये पानी और ये ब्लूबेरी का लेमन सोडा है, दोनों मिलके 29 थाई बाट कितने लिए है, 15 रिंगिट पानी के और सॉरी 15 थाई बाट पानी के और 19 थाई बाट इस सॉफ्ट ड्रिंक के, जो लेमन ब्लूबेरी लेमन सोडा है। और फिर मैंने जो कल एग्स लाए थे, अंडे लाए थे, उसमें से 4 रखे हुए थे, 2 अभी ब्रेकफास्ट के लिए बना लिए, ऑमलेट बना लिया, और 2 का भी टिफ़िन में ले लिया मैंने, जो कि दोपहर लंच में मुझे काम में आएगा, और ये ब्रेड जो कल मैं लेके आया था। तो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ और यहाँ से कुछ मनी एक्सचेंज कर लेता हूँ, जो कि मुझे आगे बिल्कुल ज़रूरत है उसकी। और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स है, तो देखूँगा मैं कि कुछ सोविनियर यहाँ से लेके जाना है या कैसे। तो मिलते हैं अभी ब्रेकफास्ट के बाद। कल नीचे हॉस्टल में मैं जब हॉल में बैठा था तब एक भाई मिला, जो कि यहाँ पे शॉप चलाता है सोविनियर की इस पॉकेट में। तो ये है म्यांमार से, देखिए ये जो शॉप्स है ये हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही है। यहाँ पे है मेरा हॉस्टल और बिल्कुल ये दोनों तरफ है शॉप्स, सभी क्लॉथ की सोविनियर्स की। और सभी लोग ज़्यादा तो करके यहाँ से म्यांमार से है ना जी, सब बर्मा से ही, ज़्यादा तो 99% तो बर्मा से ही है, 99%, कुछ 1-2% मैंने इंडिया से भी देखा था। रशियन रशियन भी है, अच्छा है। क्या नाम क्या है भाई आपका? बहादुर है। बहादुर जी, अरे बहादुर भाई, तो कल इसे मैंने बोला था कि तेरे शॉप पे मैं ज़रूर आके जाऊँगा, कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ मगर आके तो ज़रूर जाऊँगा। ओके, तो मैं निकल रहा हूँ अभी क्राबी के लिए। भाई से पूछा भी यहाँ पे बस आती है क्या, तो उसने कहा कि सामने रुकती है बस यहीं पे, अगर रुका तो मैं सामने रुकूँगा, अदरवाइज सीधा चला जाऊँगा वही पटोंग बीच का जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है उसके सामने पेट्रोल पंप सॉरी पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे बस स्टॉप प्रॉपर है, तो वहीं से जाऊँगा मैं अभी पुकेट। चल भाई मिलता हूँ, बाय। हाँ चलो निकलते हैं अभी क्राबी के लिए। ये है दोनों तरफ शॉप्स और सभी बर्मा के लोग हैं। वहाँ पे काफ़ी पंगा चल रहा है इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए हैं। कुछ कह भी रहे थे कि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत ना होती, 5-6 साल हो गए वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वहाँ पे दिक्कत ना होती तो ये लोग यहाँ क्यों आते, वहीं बैठ के कमा लेते। मुझे करेंसी एक्सचेंज करना है तो यहाँ पे बाहर निकल रहा था हॉस्टल से, तो यहीं पे है करेंसी एक्सचेंज के लिए। हाउ मच फॉर प्राइस? 100 रिंगेट्स मलेशियन रिंगेट। आई हैव 100 रिंगेट, 100 रिंगेट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बाकी के देख लेंगे आगे, जैसे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी मुझे तो इमरजेंसी में काम में आएंगे। ये है 100 रिंगिट, जो कि रेट मिल रहा है शायद 750 बात का, गिन के देखूंगा अभी कैसे, लग तो उतना ही रहा है 7.50। ओके हाँ, एक 750, नो मोर, 750 ही मिले तो ठीक है, क्योंकि मुझे
जब मैं सातून से आया था तो सातून में भी मुझे इतने ही दिए थे उस टैक्सी ड्राइवर ने। ठीक है, बाकी देख लेंगे आगे जो भी है। फॉर पुकेट बस फ्रंट ऑफ देयर गो टू बैक पुलिस स्टेशन या पुलिस स्टेशन ही ठीक रहेगा क्योंकि पीछे का तो पता नहीं कितना दूर है, बट पुलिस स्टेशन तो मैं कल परसों से वहीं तो जा रहा हूँ और वहीं से जाना बेटर रहेगा। तो पटांग बीच से अभी निकलते हैं फुकेट के लिए, फुकेट से जाएंगे बस टर्मिनल 2 जहाँ से कराबे के लिए काफ़ी बसेस चलती है। अभी ये सुबह का माहौल देखिए, यहाँ पे कितने गिने चुने लोग हैं और जैसे दोपहर हो गया अभी 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद धीरे धीरे भीड़ होगी। दोपहर में तो इतना को ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं होगी बट रात के समय बहुत ही लोग होते हैं, पार्टी शार्टी करके रात को देर से सोते हैं इसीलिए देर से उठते हैं सुबह। कुछ लोग जल्दी सो के उठ जाते हैं तो वो लोग बीच का मज़ा लेने के लिए ऐसे जल्दी चले आते हैं। बीच तो बहुत बढ़िया लगा ये पटांग बीच, मुझे पूरा दिन आप निकाल लो बस कुछ बोर नहीं होगे यहाँ पे। ये जो घने पेड़ का ये जो पेड़ का घना छांव है, इस घने छांव में बहुत ही बढ़िया लगता है। अच्छा, तो मूंगफली यहाँ भी बेचते हैं, मूंगफली है, उबले हुए अंडे है, बस आ गए पुकेट के लिए। पूछना होगा पहले मुझे पुकेट है क्या, पुकेट पुकेट यस इंडिया। नमस्ते। दिस बस गो टू पुकेट पुकेट टाउन यार। अच्छा हुआ आते ही बस मिल गई वरना काफ़ी देर रुकना पड़ता। ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है पटांग का, बिल्कुल उसके सामने पुलिस स्टेशन है और इस पुलिस स्टेशन के सामने ही बस रुकती है और यहाँ से जाती है पुकेट के लिए। और ये जो ब्लू कलर की बस है तो ये लेती है 40 बात डाउनटाउन के लिए पुकेट के, फिर वहाँ से मुझे आगे जाना है टर्मिनल 2 बस टर्मिनल 2 पे, क्योंकि वहाँ से मेरी बस है कराबी के लिए। अब कितने बजे की बस है ये तो मुझे पता नहीं है, ये इस तरह की बस है और ऐसे लोग शेयरिंग में जा रहे हैं यहाँ से। नमस्ते फ्रॉम वियतनाम, नमस्ते फ्रॉम थाईलैंड, सॉरी खाप फ्रॉम थाईलैंड, और हाँ यार तो वहाँ से फिर कितने बजे की बस है वहीं पे जाके देखना होगा। पूरे पटांग में यहाँ पे सुनसान सड़कें पड़ी है, ज़्यादा लोग नहीं है, अभी शॉप्स खुली है बट अभी धीरे धीरे जैसे ही अब दिन चढ़ेगा वैसे लोग बाहर निकलते हैं सुबह। और ये जो रेड कलर की जो काफ़ी सारी गाड़ियाँ है ये प्राइवेट है, जो थाईलैंड में मैंने सुना था कि टुक टुक चलती है बट यहाँ पे मुझे तो कोई टुक टुक दिखी नहीं, ये ऐसी गाड़ियाँ चल रही है इस बीच साइड पर। पटांग में एक बात देखी है मैंने कि जितना बड़ा बीच है बिल्कुल यहाँ पे उसके किनारे किनारे ये रोड है और उसके अपोजिट सभी शॉप्स जैसे सोवेनियर शॉप या कुछ खरीदी कैप वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे शॉप्स है और बहुत सारे होटल्स हैं उस तरफ। देखिए बिल्कुल समंदर किनारे, इस बीच के किनारे से ही ये रास्ता है, आगे जाके मुड़ जाएगा, आखिर तक ऐसा नहीं है।
मेरे साथ बड़ी एक अच्छी बात हो गई कि ये जो बस जा रही है तो सेंट्रल में रुकी है, यहाँ पे टिकट के पैसे लेने अभी कंडक्टर या ड्राइवर कोई तो आया था और उसने कहा, उसने 40 बात ले लिए मेरे से और मुझे कहा कि कहाँ जा रहे हो, ये बस मैं टर्मिनल 2 पे टर्मिनल 1 पे लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे क्राबी जाना है और मैं टर्मिनल 2 जा रहा हूँ, तो उसने कहा अरे 2 क्यों जा रहे हो, 1 पे जाओ, वहाँ से आपको क्राबी के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हो गई कि मुझे कोई बस चेंज नहीं करनी है, इसी बस से जाना है टर्मिनल, बस टर्मिनल 1। और यहाँ पे अभी बस रुकी है जो कि ये फुकेट टाउन के लिए आती है, यहाँ पे यहाँ से सभी बसेस नहीं जाती, ये बस जा रही है बस टर्मिनल 1। और यहाँ पे आके उतरना है, देखिए ये ऐसा सर्कल है, यहाँ पे आके उतर, यस ये इस सर्कल पे रुकना है और यहाँ से बस टर्मिनल, बस टर्मिनल 2 के लिए बस जाती है और टर्मिनल 1 के लिए भी जाती है। टर्मिनल 1 गो दिस, और देखिए यहाँ से बस जाती है टर्मिनल 2 के लिए जो कि आपको यहाँ से बस चेंज करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी बसें जाती है, सिर्फ यही बस जा रही है, जो कुछ बसें आती है प्लेटफॉर्म से तो वो टर्मिनल 1 के लिए जाती है। सिर्फ आप वो सर्कल याद रखना जहाँ पे पुकेट टाउन के लिए बस रुक जाती है और कहती है कि यही आखिर का स्टॉप है, वहाँ से उतर के बस चेंज करके टर्मिनल 2, बस टर्मिनल 2। मेरी क्राबी के लिए बस टर्मिनल 1 से भी है, इसलिए मैं क्राबी के लिए टर्मिनल 1 पे जा रहा हूँ। तो पहुँच गए भाई बस टर्मिनल 1 पुकेट और मैं इस बस में आया हूँ। ये ब्लू कलर की बसें जो है ये चलती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे पटांग टू पुकेट, पुकेट टू पटांग, ये 25-30 किलोमीटर के दायरे पे चलती है ये बसेस। और लंबी दूरी के दायरे के लिए है ये ऐसी बड़ी एसी बसेस। और ये जो वैन दिख रही है आपको, ये भी दूर के रास्ते के लिए ही जाती है और इस बस टर्मिनल 1 से जाती है। ऐसे मैंने सुना था कि ज़्यादा लंबी के दूरी के रास्ते के लिए टर्मिनल 1 है और कम दूरी के लिए टर्मिनल 2, बट क्राबी के लिए यहाँ से बस जा रही है। मुझे पहले जाना होगा अभी टिकट काउंटर और वहाँ पे पहले पूछना होगा क्राबी के लिए क्या टिकट है। इंफॉर्मेशन और कहाँ टिकट काउंटर, हाथ ही आई तो यहाँ से जा रही है बस। ओके टू क्राबी 1 2 गो, कितने बजे है? यस क्राबी 1 450 बात, बेटे 400-450 बात, तकरीबन हो गए 1000 के आगे हो गए सिर्फ क्राबी के लिए। मैंने ले ली है टिकट, अब ये मोहतरमा कह रही है कि ऑनलाइन आपको 550 थाई बात में दिखाएगी और यहाँ पे 450 थाई बात लिए है आवनांग के लिए पॉकेट से, और बस नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जा रही है। ये इसका ड्राइवर है, ₹100 मैंने चेंज किए थे उसमें से 450 तो यहीं पे चले गए 750 में से, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, 1000 रुपये तकरीबन, 1000 से ज़्यादा पॉकेट से क्राबी के लिए। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने रात को देखा था 1togo.com पे तो वहाँ पे 850 रुपये दिखा रहा था, 200 रुपये का फ़र्क है। अभी ये बस ऐसी बस जा रही है आवनांग। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन रात को तो सस्ता दिखा रहा था 850 लगभग, और यहाँ से तो महंगा दिखा रहा है, देख लेंगे जो भी है।
मैं आ गया हूँ क्राबी में। अभी यहाँ से एक दूसरी बस, उसी बस वाले ने अरेंज करके दी है, उनकी ही है, जो कि जा रही है ये आवनांग बीच के लिए, और वो बस सीधी चली गई किसी दूसरी जगह पे। तो इस बस में बैग रख के अब मैं निकल रहा हूँ आवनांग के लिए। 15-20 किलोमीटर है यहाँ से भी आवनांग बीच की तरफ। और इस बस ड्राइवर को भी पता है कि ये जो मैंने हॉस्टल बुक किया है वो कहाँ पे है। ये एक अच्छी बात है, वो सीधा हॉस्टल के आगे छोड़ देगा। हाउ फार? 20 किलोमीटर? ओके ओके, 30 मिनट का रास्ता है सिर्फ। चलो ठीक है, पहुंच तो गए। पहुंच गया मैं आवनांग बीच, और दोपहर के 4 बजे है। 12 बजे बस चली थी और 4 बजे मैं आवनांग में पहुंच गया। तो अभी पहले जाता हूं अपने हॉस्टल में। हॉस्टल तो बड़ा ज़बरदस्त दिख रहा है, बिल्कुल बीच के सामने ही है, और सच में पार्टी हॉस्टल ही है। तो यहां का माहौल देख के ऐसा पता चल रहा है कि रात को यहां पे तो बहुत ही ज़बरदस्त की पार्टी होती होगी। अपस्टेयर फॉर बालकनी हॉस्टल देयर। ओ भाई साहब, ये तो यहाँ पे एस्केलेटर भी है, और क्या चाहिए। अभी तो सुनसान पड़ा है, शायद लोग पैकेज स्टोर पे गए होंगे। आने के बाद फिर शाम को यहाँ पे पार्टियाँ चलेगी। हाँ, मैं 2 ही रातें हूँ, शायद ज़्यादा रातें यहाँ पे रह पाता। देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। सामने ही है बालकनी पार्टी हॉस्टल। एस्केलेटर से आगे चढ़ के मैं पहुंच गया यहाँ रिसेप्शन पे इस हॉस्टल में। हेलो, यस, शक्ति, शक्ति भी रहे। यस, पहले चेक इन कर लेता हूँ ठीक से, बाद में वीडियो बनाऊंगा।